संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने करीब एक घंटे के अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तमाम मुद्दों को शामिल किया। अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछला वर्ष यूरोप और अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत के लिए भी कठिन रहा है, लेकिन सरकार ने इस स्थिति से उभरने के लिए निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों में अनेक उपाय किए हैं। The past year has been a very difficult one for the global economy. Europe is in recession. Most emerging markets are growing very slowly. It has been a difficult year for India also. Both global and domestic factors have affected our growth. We need to address the impact of both. My government has responded to the situation by taking several measures to revive investment activity and investor sentiment. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सरकारी सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन और मातृत्व लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सकेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्य जोर बुनियादी सुविधाओं के विकास पर है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में निवेशकों के बीच माहौल सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की 5.3% की दर पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित की है। सरकार माल एवं सेवा कर के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है। माय गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रोड मैप फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग द करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट एट 5.3% ऑफ द जीडीपी। द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीच अ कंसेंसस ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2012 संसद में पेश किया है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। देश के कुछ भागों में पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं देखी गईं। सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयासों को विफल करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध है। Some parts of our country have in recent past witnessed communal incidents. My government is determined to thwart any attempt at disturbing our communal peace and harmony. My government is committed to dealing with the left-wing extremism in a comprehensive manner. It is pursuing a two-pronged approach of conducting proactive and sustained operations against extremists and focusing attention on development of governance issues in extremist-affected areas. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। संसद के बजट सत्र का पहला दिन ठीक बीता। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई और एक घंटे के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 114 बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अब देखना होगा कि सरकार के पिटारे में रेल बजट और आम बजट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सुधाकर दास, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र वो अपने कैमरा सहयोगी आईपीएस अहलूवालिया के साथ मनोज टिपड़ेवाला, आकाश, डीडी न्यूज, दिल्ली।